हाय फ्रेंड, आज हम आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और जो आल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सभी वनडे एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। कितने शेष बचते हैं? 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप तो जो आपके जिसमें जो है जितना शेष बचे, आपका शेष 47 बच रहा है, तो जिससे भाग देने की बात करेगा और यहाँ शेषफल, इन्हीं को दोनों को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या कर देंगे आप, 15 से भाग लगा देंगे। तो 15 तिया 45, जितना भी रहेगा आप जो जिससे भाग देने की बात करेंगे और शेषफल जो शेष आएगा उसमें भाग लगा देंगे। 15 तिया 45 और आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिया हुआ है और ये ध्यान रखना है, 867 + 289 का होल स्क्वायर है और यहाँ 867 - 289 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा है और यहाँ इंटू में दिया है, आपका बटे में दिया हुआ है 867 * 289। सो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका होता है पहले इसके कंसेप्ट को समझना। तो आप ध्यान रखना, अगर ए के फॉर्म में हम मान लीजिए 867 है और प्लस बी को कितना मान ले, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसका मतलब ए प्लस बी है का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में ध्यान रखें तो ए इंटू पी हो गया, तो जहां जहां आपका 867 है वहां ए लिख दिए और जहां 289 वहां पी लिख दिए। अगर हम इसी को एक्सप्लेन करें तो आपको फार्मूला, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता तो कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला लिख दिए, प्रूव करके बता रहे हैं। आप इसको याद रखेंगे तो डायरेक्टली कर सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2a, ध्यान रखना है माइनस है, हाँ ये होल स्क्वायर माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस 2ab, तो -2ab अपान में कितना हो जाएगा टोटल का, यहाँ ab। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अगर ब्रैकेट यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और प्लस में क्या, यहाँ माइनस में क्या है ए स्क्वायर, ब्रेकेट ओपन करने पर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ ब्रेकेट है, ब्रेकेट जैसे ओपन करेंगे ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस 2ab हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। देख रहे हैं आप ये ए प्लस में है और ये माइनस में है तो 0 हो गया, ये प्लस में है माइनस में है तो 0 हो गया, ये भी प्लस है 2ab, 2ab प्लस है 2ab है। सो कितना आ जाएगा आपका, 4 प्लस प्लस ऐड हो जाता है तो 4ab अपान में ab, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा। सो आपका कितना आंसर आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब आपको अगर आंसर निकालना है सो आपके माइंड में ये कैलकुलेशन होना चाहिए। माइंड में क्या कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें होता है, उसमें -2ab होता है, जब ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, जो यहाँ माइनस का चिन्ह है ध्यान ये रखना है, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो इस स्थिति में क्या आएगा आपका, 4 आएगा अपान में अगर ab के है तो। ठीक है, लेकिन अगर यही प्लस है सो यहाँ क्या आ जाता, यही ध्यान रखना यहीं पर देख लो, अगर यही प्लस होता सो ये भी क्या रहता है, ये भी आपका क्या रहता है, प्लस ही रहता और ये माइनस रहता, तो ये दोनों कट जाते तो ये बन जाता आपका किस फॉर्म में, 2 (a² + b²। सो ये आपको ध्यान रखना और यहाँ ऐसा हो जाता, तो आपको इस तरीकों को याद रखना है। तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते थे जब आपको ये पता रहता, अगर आप पता हो गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में ए बी है। सो आप डायरेक्टली अब ये भी बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 4ab हो जाता है अगर a प्लस बी, तो हम एक फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं और फार्मूला ध्यान रखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 4ab। सो अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अगर आपको पता हो तो बहुत इजीली कर लेते हैं। अगली अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 476 गुणे में 198 गुणे में 369 प्लस इंटू में 242 में इकाई अंग निकालना। आपको इकाई अंग क्या होता है, जो लास्ट का अंक। ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक, मतलब गुणा करना है। तो गुणा करने की जरूरत पूरे को नहीं, आप इकाई का ही गुणा कर दे। तो 8 6 48 में 48 का इकाई अंक 8। तो जो गुणा करने पर जो संख्या बने, जैसे ये 48 हुआ, तो इसका इकाई अंक लेना। इकाई अंक 8 का ही गुणा करना है किसमें, 9 में। तो 9 8 72, 72 की इकाई अंक 2, 2 का 2 में, तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो इकाई अंक कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, इकाई अंक किस कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इसमें दिया हुआ है कि 1/1 × 2 प्लस में 1/2 × 3, 1/2 × 3 × 4। तो यहाँ लास्ट में क्या प्लस प्लस करके, मतलब ये सीरीज बढ़ रही है। मतलब आप ध्यान रखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता। इसको ऐसा भी दे सकता था, 1/2, 1/6, 1/ कितना 12, और किस आगे क्या बढ़ जाता, 4 इधर आ जाता और 5 इधर। तो 1/2 कितना 20, फिर आगे क्या हो जाता, आगे क्या हो जाता, आप बोल सकते थे यहाँ कि 1/5 × 6 30। तो ऐसे ये बढ़ता। सो आप ध्यान ये रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि करेंगे कैसे। करने का तरीका हो जाएगा, वन इसको हम ऐसा भी दो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको हम रफ के कार्य के लिए कर रहे हैं, वन माइनस है। अब इसको अगर रफ करें तो यहाँ एलसीएम आप 2 ले लेते, और ये 2 माइनस में 1 हो जाता, और आपका कितना आ जाता, 1/2 ही आ जाता। बोल सकते हैं यहाँ एलसीएम 2 × 1 होता, या 1 × 2 बोल सकते थे। मतलब आप इस फॉर्म में पहले रहा होगा, तो इस फॉर्म में लिखा गया है ना, ये लिखा गया है ऐसे। इसका मतलब आप ध्यान रखने, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और प्लस में क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस में 1/3। अब ऐसे सभी को ओपन कर दीजिए। अब ऐसे ऐसे करके यहाँ लास्ट में ओपन क्या करना है, यहाँ भी क्या रहा होगा, 1/88 है ना। अब यहाँ देखिए, इससे एक कम नंबर लीजिए, तो इससे एक कम नंबर कितना आ जाएगा आपका, 98 आ जाएगा, और माइनस में कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसी को ओपन कीजिए, इसको रहने दीजिए, 1/99 और माइनस में 1/100। ठीक है, और इसके पहले भी यहाँ प्लस में 99 रहेगा। तो अब देखिए, ये आपका 1 प्लस में है, तो 1 कहीं माइनस में नहीं, तो 1 प्लस, यहाँ देख रहे हैं आप माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ भी रहा हुआ कैंसिल, तो ये भी इससे, यहाँ भी 1/99 होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो आप देख रहे हैं 1 बचा, और यहाँ माइनस में 1/100 बचा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो आप यहाँ हो जाएगा 99/100, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। सो आप इस तरीके से करेंगे, इस क्वेश्चन को देखें, इसको क्या करना है, ये सारे मल्टीप्लाई में लिखिए। इसका मल्टीप्लाई अगर देखें तो 3 में से अगर हम 1 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू। अब देखिए इसको जब माइनस 1 लगा रहे हैं, तो आप इसी को माइनस कर लेंगे अंश वाले को। तो देखिए 3 4 में से 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू में। अब देखिए एक सीरीज बन गई, क्या बन जाएगा, अब यहाँ अंश में एक क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है, और अंश हर में भी एक बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/5। और ऐसे बोल सकते हैं क्या होगा बताइए, हो जाएगा 5/6। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यन माइनस में 1, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ तो बढ़ रहा है ना, तो ये, लेकिन ये घट के देखिए, ये इसे घट रहा है, तो नीचे वाले से एक क्या हो रहा है, ये घट रहा है, नीचे वाले से एक घट रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक नीचे जो रहेगा यन, और यन में ये घट कर एक लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब वही आप लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। सो आप देख रहे हैं ये इससे ऐसे से कर रहा है, और ऐसे से कर रहा है,
ऐसे ऐसे कटेगा तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ जो होगा ये इसको काट देगा, बचेगा क्या, टू अपान में एन बचेगा। ये इसका राइट आंसर था। अब जब इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन ले आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें हम ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी क्वेरी होती है वो कमेंट जरूर करते करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।